और यह पर्व जो है माँ अपने संतान की सुख और समृद्धि के लिए करती है। काफी अच्छा लगता है जी इस पर्व के दौरान। आज जितिया के लिए हम भगवान से दुआ मांगते हैं, हमको तो पावर नहीं है लेकिन उनके चरण में मिर्जा अपील करती है कि सब माँ को जितिया नसीब हो। चाय बना रही है आदि और अदरक का, क्योंकि अदरक भी है और मधुरम भी है जो पतंजलि का आता है शुगर फ्री, हाँ, के मैं बना रही हूँ। और स्पेशली चांदनी के लिए, उसकी तबीयत खराब है, अगर वो बीमार पड़ जाएगी हम लोग सब फेरे में दीदी भी आती है उसके स्वास्थ्य की रक्षा के लिए आदि का चाय बना रही हूँ। बहुत प्रार्थना कर जल्दी ठीक हो जाए, चांदनी कभी बीमार नहीं। अदरक वाली चाय जी जितिया का नहायक है तो दीदी क्या कर रही है ये गंगा जल है। कहा जाता है कि एक फुट गंगा जल देने से संपूर्ण जल जो है वो गंगा हो जाता है। इसे तो ज्यादातर लोग जो है गंगा नदी में जा करके नहाता है, तो जिनको मान लो उपलब्ध नहीं है गंगा, तो वो जिनको उपलब्ध नहीं है तो वो लोग ये काम कर सकते हैं। जहाँ जो चीज नजदीक है हाँ जाते हैं। बिल्कुल, हम लोग के साइड ना पोखर है ना नदी है ना कुछ नहीं, हम लोग का बाल्टी में गंगा जल डाल के नहा लेंगे। बस भगवान से प्रार्थना करेंगे इसी को गंगा बना दीजिए, ठीक है, उसी में चढ़ा देंगे। तेल है ये सिंदूर है। अच्छा, मतलब मेरी सास, मेरी ददिया सास, मेरी माँ या भगवान जो भी है, मतलब सबके लिए, मतलब तेल खली सिंदूर अर्पित किया जाता है सुहागन के लिए सिंदूर, और जो इधर जितने भी लोग है सबके लिए तेल अर्पित किया जाता है। अच्छा चलो बढ़िया है, ठीक है करो तब, हम तो इंतजार कर रहे हैं जल्दी से यह जो है जितिया जो है समाप्त हो और उसका जो प्रसाद है हम खाएं जल्दी से। तो अभी नहा के चढ़ाएंगे खाजा फल, अच्छा, उसके बाद भगवान के चरण में समर्पित करेंगे, अपने पूर्वज को समर्पित करेंगे, तो उसके बाद प्रसाद का भोग होगा। चलो बढ़िया है, ठीक है, तो जाओ जल्दी से नहा करके आओ और प्रसाद सब चढ़ा। तो हमने नहा के पूजा कर ली और पति देव अभी भी काम कर रहे हैं, माँ भी आ गई है नहा के पूजा कर रही है। तो माँ का नहाया हुआ हो गया, जिया का भी नहाया हुआ हो गया, तो सभी लोग आ गए हैं पूजा करने के लिए और यहाँ पर जो है प्रसाद को चढ़ाया जा रहा है। दुर्गा माँ को समर्पित यह पर्व जितिया हम लोगों के लिए महापर्व में से एक है। जिस तरह से हम लोगों की तरफ छठ पर्व को जो है प्रधानता दी जाती है जिसे महापर्व कहा जाता है, लगभग उसी श्रेणी में यह पर्व भी आता है जी। जिस दिन घर में एकदम शांति और पवित्रता बनी रहती है और यह पर्व जो है माँ अपने संतान की सुख और समृद्धि के लिए करती है। काफी अच्छा लगता है जी इस पर्व के दौरान। पर जी भोग लग गया, आरती भी हो गई और उसके बाद माँ से जान भी लेते हैं कि आखिर किसको किसको भोग लगाया गया है। देखो सिर्फ नहीं हम जानी सेवा पूजा, अटपट गीत गवै छी, नोड़ बटोरी अहिले मैया मोती मांगू थे, हम कुछ नहीं जानते हैं, जो पूर्वज से देखते आए वही सीखे हैं, दया होगी तो स्वीकार होगा ही। ये हम अपने भगवान को चढ़ाए हैं, अच्छा, हम पूजा करते हैं। ये मेरी दादी और अच्छा। मेरी माँ का है, ये मेरी सास और मेरी ददिया सास का है, अजिया सास, जिसको आप ये भगवान कान्हा, अच्छा कान्हा को भी चढ़ा है, कान्हा को चढ़ा है, मेरी बहू तो रोज चढ़ाती है, जब वो नहीं चढ़ा पाती और समर्थ रहती तो मैं ही पूजा करती, मैं तो सबके लिए पूजा करती हूँ, क्योंकि अभी इस रूम में या इस घर में सबसे बड़ा पोस्ट मेरा ही, स्वाभाविक भी करेंगे। आज जितिया के लिए हम भगवान से दुआ मांगते हैं, हमको तो पावर नहीं है लेकिन उनके चरण में मिर्जा अपील करती है कि सब माँ को जितिया नसीब हो और सब जितिया लेके ही स्वर्ग में जाए और उसका बाल बच्चा उसे मनिहारी घाट पहुँचा दे। जितिया माँ बेटी के लिए क्या जाता है, मतलब बच्चे के लिए, अपने बच्चे के लिए, बच्चे के लिए, अपने बेटा बेटी जो भी है, हर माँ को उसका बेटा कंधा दे और मनिहारी घाट पहुँचा दे। आज पितृ की पूजा की जाती है, पितृपक्ष में मर्द लोग या जेंट्स जो भी बोलते हैं वो लोग करते हैं पूर्वज पुरुष का, और औरत जितिया के दिन करती है अपने स्त्री रूप में। तो आज मैं अपने माँ को तो हर दिन पूजा करती हूँ, अब और भगवान के बाद या गुरु के बाद, तो माँ बाप का ही स्थान है, प्रथम गुरु इन्हीं को माना गया, इन्होंने ही बताया मुझे कि भगवान कौन है, इसलिए मैं अपनी माँ को आज लाखों करोड़ों हजारों बार प्रणाम करती हूँ।
चलो बेटा तो यहाँ है जिसको लगा रहे हैं, तो बेटा नहीं है लेकिन ईश्वर से उसके लिए दया और आशीर्वाद मांग रहे इसको लगा रहे हैं उसके लिए भगवान से आशीर्वाद मांग रहे हैं। तो भगवानों का नाम सब मिला दे दो हमको, कोई प्लेट में होगा दिया पता में ही दे दो खा लेंगे सबको थाली बुझल उसको पता। फिर जी हम जितिया का प्रसाद खा लिए और काफी अच्छा लग रहा था जितिया का प्रसाद खाने में। वैसे जी प्रसाद तो प्रसाद ही होता है चाहे किसी भी पर्व का हो चाहे कुछ भी हो, लेकिन काफी अच्छा लगता है एकदम श्रद्धा के साथ खाते हैं। फिर प्रसाद खाने के बाद ही निकल लिए मार्केट और अच्छी बात यह थी कि आज जो है बारिश नहीं हो रही थी, आज जो है हम लोगों की खरीदारी आराम से हो सकती थी। तो पहुंच गए हैं जी मार्केट और सबसे पहले आ गए हैं केला का यह जो ठेला है इसके ऊपर और जी अपना खरीद रही है। यहाँ अच्छा अच्छा मिल रहा है वेरायटी कितना आगे जी शॉप पर हम लोग लेने आए हैं बद्धी और बद्धी के साथ में जो है कमरबंद भी चाहिए जिसको हम लोग डराडोर बोलते हैं। कितना रेडी है 8 को चलो। और इधर भीड़ देखिए जी क्या भीड़ है भाई साहब, जबरदस्त भीड़ है। हम लोग जब आए थे उस समय भी अच्छा खासा जाम लगा हुआ था और यह जाम जो है अभी तक छूटा नहीं है। जैसे ही हम लोग जो है गिरते संभलते जो है हम लोग थोड़ा आगे पहुंचे और यह जाम देख रहे हैं अभी भी मुक्त नहीं हुआ है, जबकि प्रशासन लगा हुआ है पुलिस की गाड़ी देखते हैं उधर, लेकिन जब भीड़ ही इतना है तो बताए प्रशासन क्या करेगा। बाकी खरीदारी तो हो गई और हम लोगों को कुछ लेना है यहाँ से भी, तो साथ में ड्राई फ्रूट तो लेना है ही, कुछ मटर लेना है और साथ में कुछ और सब भी लेना है। तो देखते हैं जिया क्या क्या लेती है, ऊपर से आज जो है लिस्ट नहीं बनाया हम लोग का, तो कुछ ना कुछ जरूर छूटेगा। तो ऐसा हो गया है तो उम्मीद करते हैं कुछ छूटे नहीं वरना फिर से आना पड़ेगा हम लोग। यही हाँ इसको गिलना होता है ठीक है और ले लो सारा ले लो। यहाँ आए हैं पान लेने के लिए और आज के दिन जो है सभी को पान खाना होता है, तो हम लोग यहाँ पर पान ले रहे हैं और मीठा पत्ता बनवा रहे हैं। तो दो तरह का पत्ता है, मीठा पत्ता बंगला पत्ता। जिया को पता नहीं है, हमें पता है क्योंकि नानी बनाती थी हम खाते थे। तो यहाँ पर दो बन चुका है, दो बनना है तो जल्दी से लेकर चलेंगे। वहाँ पर पान लेने के बाद हम लोग आ गए जी इस मिठाई की दुकान पर और इस मिठाई की दुकान से हम लोगों को लेना है खाजा और बालूशाही। और इस दुकान पर जी भीड़ देखिए भाई साहब जबरदस्त भीड़ रहती है। हालांकि यह दुकान जो है सिर्फ एक टाइम ही खुलता है दिन में और खास करके जो है सीजन में खुलता है, लेकिन जैसे ही खुलता है भाई साहब स्पेशली सीजन के टाइम यहाँ इतनी भीड़ रहती है, इतने लोग आते हैं। बात क्या है जी स्वाद भी है इनकी मिठाई में, गजब टेस्ट रहता है इनकी मिठाई का। तो सब कुछ तो ले लिया जी, बस एक लेना था हमें उजला वाला रसगुल्ला जो कहीं नहीं मिल रहा था किसी दुकान में, लेकिन जिया को मालूम था कि यहाँ मिल जाएगा क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे मेरी बुआ का घर है और यहाँ पे थोड़ा मतलब यहाँ पे ज्यादा नहीं है तो मैंने लगा कि यहाँ पे शॉप पे मिल ही जाएगा क्योंकि उधर तो मार्केट तो सारा खाली हो चुका है। बिल्कुल बिल्कुल मार्केट से हटके है इधर यहाँ तो मिल गया। तो जब मिल गया तो अब यहाँ से चलते हैं, अब तो कुछ नहीं बचा लेने के लिए, कुछ नहीं है। हम लोग आ गए घर और जैसे ही घर आए क्रियांश का ये देखिए, ओ भाई साहब है खुशी का ठिकाना देखिए, अब नाच के दिखाएगा आपको। अरे कैमरामैन है और बदमाशी करेगा अभी। जैसे नहीं लगता कराटा जो लोग करता है और यहाँ पर अब जो है सभी की बारी है पान खाने की, तो सभी के लिए पान जो लगाया गया है खाते हैं। प्रियांश भी पान खाएगा देखो, फेंक देगा मालूम था, छोड़ दो छोड़ दो।